नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और मोदी कैबिनेट से बरेली से आठवार के सांसद संतोष गंगवार की बेवक्त विदाई से जुड़ी खास खबर के साथ हाजिर हूं मैं अनुरोध भारद्वाज। एक वक्त राज्य और केंद्रीय सत्ता में भरपूर दखल रखने वाली बरेली की हनक अब दिल्ली लखनऊ दोनों में जीरो हो गई है। मोदी कैबिनेट से संतोष गंगवार की छुट्टी होने के बाद बरेली से रोहिलखंड की सियासी दूरी होने का रुतबा भी फिलहाल छिन गया है। यूपी की योगी कैबिनेट से पहले राजेश अग्रवाल और धर्मपाल सिंह की बेदखली और अब संतोष गंगवार की टीम मोदी से विदाई ने बरेली की राजनीतिक चमक को काफी फीका कर दिया है। वहीं बीएल वर्मा की दिल्ली में ताजपोशी से शाहजहांपुर के बाद बदायूं का कद और बढ़ गया है। भाजपा यूपी और केंद्र की सत्ता में जब जब आई उसकी सरकारों में बरेली को हर बार बड़ी भागीदारी मिलती दिखती थी। यूपी में जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी तो तत्कालीन बरेली विधायक डॉक्टर दिनेश जौहरी को स्वास्थ्य जैसा अहम मंत्रालय मिला था। यह बात अलग है कि बाद में विवादों के चलते डॉक्टर जौहरी को कल्याण कैबिनेट से बर्खास्त होना पड़ा था। उसके बाद राजेश अग्रवाल बरेली शहर से विधायक बने तो अब बाद की भाजपा सरकारों में लगातार मंत्री रहे। राजेश की तरह आंवला विधायक धर्मपाल सिंह भी भाजपा सरकार में अहमियत पाकर मंत्री पद संभालते रहे हैं। केंद्रीय राजनीति की बात करें तो 13वीं लोकसभा में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने बरेली सांसद संतोष गंगवार को पेट्रोलियम एवं गैस राज्य मंत्री का ओहदा दिया था। 2014 में प्रचंड जीत के साथ नरेंद्र मोदी पीएम बने तो उस वक्त 7वीं बार के सांसद संतोष गंगवार को केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया था। 2019 में भाजपा ने फिर केंद्रीय सत्ता में वापसी की थी तो भी संतोष के पास मंत्री पद कायम रहा था। यह बात अलग है कि 8वीं बार के सांसद संतोष को इस बार भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद से ही संतोष कराया गया। दिल्ली यूपी की राजनीति में बरेली का बुरा वक्त उस समय शुरू हुआ जब अचानक यूपी के सीएम योगी ने बरेली कोटे के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल और सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह को मंत्री पद से हटा दिया। बरेली को जीरो पर रखकर सीएम योगी ने शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना और बदायूं से महेश गुप्ता का कद बढ़ाया। राजेश तो उसके बाद केंद्रीय संगठन में कोषाध्यक्ष का सम्मानजनक पद पा गए मगर धर्मपाल के हाथ अब भी खाली हैं। बरेली के लिए यह झटका ही क्या कम था जो अब मोदी कैबिनेट से संतोष की विदाई का गम और मिल गया है। कहने को केंद्रीय मंत्रिमंडल से संतोष गंगवार के इस्तीफे को उनके स्वास्थ्य कारणों से जोड़ा जा रहा है मगर सच कुछ और ही प्रतीत होता है। कुछ दिन पहले ही संतोष ने दिन रात दौड़ लगाकर बरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा कब्जा कराया है। स्वास्थ्य जैसी कोई समस्या उनके साथ उस वक्त नजर नहीं आई। फिर संतोष गंगवार को मंत्री पद से हटाकर मोदी सरकार में पूर्वांचल से अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी की ताजपोशी बदलाव का बड़ा संकेत माना जा रही है। पंकज और अनुप्रिया दोनों ही कुर्मी चेहरे हैं। इधर बदायूं के रहने वाले लोध चेहरा राज्यसभा सदस्य बीएल वर्मा को मंत्री पद पर प्रमोशन मिलना रोहिलखंड की राजनीति में और भी बड़ी उठापटक देखा जा रहा है। संतोष की मोदी कैबिनेट से विदाई से सत्ते में आए बरेली के लोग अगले लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं करते देखे जा रहे हैं। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं क्या आज का परिवर्तन आगे को लेकर बड़े बदलाव की आहट है। कहीं पार्टी संतोष को आगे दूसरे रास्ते पर ले जाने की तैयारी में तो नहीं है। वैसे इस्तीफे को लेकर अभी संतोष के मन की बात तो सामने नहीं आई है मगर उनके करीबी और समर्थक बहुत ही मायूस हैं। वैसे मायूस तो पूरा जिला बरेली है जिसके पास अब कहने को भी दिल्ली लखनऊ की सत्ता में कोई हिस्सेदारी नहीं बची है। खबरची ब्यूरो की रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज़।